अजमेर में राशन डीलर से गलत व्यवहार करने पर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नाराजगी जाहिर की है। जब उन्हें पता चला कि डीएसओ ने इनके साथ धक्का मुक्की की है तो उन्होंने फोन लगाकर डीएसओ को जोरदार फटकारा और उसकी क्लास लगा डाली और कहा, काम करना है या नहीं करना बाद की बात है, लेकिन व्यवहार सुधारो, यदि अब शिकायत मिली तो सस्पेंड कर दूंगा। इधर इस मामले में जब डीएसओ विनय कुमार शर्मा से बात की तो वे बोले, वर्तमान में सतीश कुमार राशन का डीलर नहीं है, उसके खिलाफ गेहूं के गबन को लेकर मुकदमा दर्ज करा रखा है, जो भी आरोप लगाए हैं उसका जवाब मंत्री जी को दे दिया है। इससे पहले मंत्री खाचरियावास ने फोन पर डीएसओ को जयपुर आकर मिलने को भी कहा। दरअसल राशन डीलर विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर में धरना दिया था। मंगलवार को सभी राशन डीलर जयपुर पहुंचे और खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात की। इस दौरान यहां मौजूद ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन इकाई के सचिव सुरेश कुमार ने अजमेर डीएसओ विनय कुमार शर्मा के व्यवहार को लेकर शिकायतें की। उन्होंने बताया कि राशन डीलर सतीश चंद्र का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था, इसको लेकर के सितंबर महीने से वे इससे संबंधित डॉक्यूमेंट लेने डीएसओ ऑफिस गए थे। यहां धक्का मुक्की और मोबाइल भी छीन लिया गया, स्टाफ के सामने बेइज्जत किया गया। इसके बाद इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान सचिव सैनी ने कहा कि यहां से जाने के बाद मैं जान दे दूंगा क्योंकि वे इस घटना से काफी दुखी है। इस पर डीलर सतीश चंद्र ने भी बताया कि वे डीएसओ के इस व्यवहार से काफी परेशान है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राशन डीलर इन समस्याओं की सुनने के बाद उन्होंने मीटिंग में ही डीएसओ विनय कुमार शर्मा को प्रताप सिंह खाचरियावास ने फोन लगाया और सभी के सामने जबरदस्त फटकार लगाई। फटकार लगाते हुए कहा कि डीएसओ हो तो सीधा पब्लिक जुड़ाव है, कोई राशन डीलर हो या आम जनता, अच्छे से व्यवहार किया करो, आपकी बहुत शिकायत है और अगर व्यवहार नहीं सुधारा तो सस्पेंड कर दूंगा। खाचरियावास ने यह भी कहा कि काम करना या नहीं करना बाद की बात है, लेकिन व्यवहार अच्छा होना चाहिए, अब आगे से आपके व्यवहार में सुधार हो जाना चाहिए। जब सचिव ने जान देने की बात कही तो मंत्री खाचरियावास ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा जैसे मर्द आदमी उनके पास बैठा है, कोई भी डीलर या आदमी मरने की बात करता है तो हमें धिक्कार है, हम बैठे हैं, जो गलती करेगा उसको सजा देंगे। बातचीत के दौरान खाचरियावास ने यह भी कहा कि राशन डीलर की हालत बहुत खराब है, उनकी दुकान का किराया भी नहीं निकल रहा। मंगलवार को राशन डीलर विभिन्न मांगों को लेकर मंत्री से मिलने पहुंचे थे। राशन डीलरों की मुख्य मांग थी 30,000 रुपए प्रतिमाह निश्चित मानदेय किया जाए, संविदा अधिनियम 2022 के अंतर्गत नियमितीकरण में शामिल करने, पोस्ट मशीन के नाम पर 15 रुपए 21 पैसे सरकार की ओर से की जा रही कटौती बंद करने की, खाद्य सामग्री पर 2% छीजत देने का प्रावधान पोस्ट मशीन में डाले जाने एवं गेहूं के 1 क्विंटल की उतरवाई की दर 10 रुपए प्रति क्विंटल तय किए जाने सहित कई मांगे शामिल थीं।